Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने घटना की जिम्मेदारी ले ली है। दरअसल रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला पर हमला पंजाब सरकार की ओर से सुरक्षा हटाए जाने के एक दिन बाद ही हुआ है। फायरिंग के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालांकि अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी है और गोल्डी बराड़ कनाडा का एक बड़ा गैंगस्टर है और भारतीय अधिकारियों द्वारा कई आपराधिक मामलों में वंचित है। इसी महीने फरीदपुर के कोर्ट ने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के आरोप में बराड़ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बता दें कि गोल्डी बराड़ का असली नाम सतेंद्र सिंह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई 2022 को पंजाब पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि AGTF ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कैनेडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 3 करीबी सहयोगियों को बठिंडा से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ के करीबी सहयोगी मालवा क्षेत्र के एक जाने माने व्यापारी से पैसे वसूलने के लिए उस पर हमला करने की योजना बना रहे थे। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला ने दिसंबर 2021 में कांग्रेस का दामन थामा था। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसकी एक तस्वीर काफी चर्चा में रही थी। हालिया पंजाब चुनाव में मूसेवाला कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। हैरत की बात यह है कि एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को वापस लिया था और चश्मदीदों के मुताबिक 3 अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर हत्या करने के मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ लिश्नोई बैंक का जो करीबी है वो खुलकर सामने आ गया है और इस हमले की जिम्मेदारी वो अपने आप पर लिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.